इधर उधमपुर के पास मैंने सिम ले लिया है एयरटेल का। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है भाई इसके अंदर। बारिश और मिट्टी ने एक कीचड़ बना दी। बाप रे, छोटी सी टनल पर देखो ट्रक सारे खड़े हैं ऊपर तक, शायद शाम को निकलते होंगे। महाराजा गुलाब सिंह डोगरा सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 4 मार्च और आज हम जा रहे हैं श्रीनगर। तो पहले देखो, आपने अभी तक मेरे वीडियोस देख रहे होंगे जो मैं कन्याकुमारी की ड्राइव करके आया था एक्सयूवी में, और अब मैं जा रहा हूँ कश्मीर। तो इस तरह से मेरा पूरा हो जाएगा कश्मीर टू कन्याकुमारी या कन्याकुमारी टू कश्मीर, जो भी आप कह लो। सो आज अभी बजे हैं 7, मतलब 7:15 के आसपास तक मैं निकल लूँगा अपनी बाइक पे। वो मैंने करी थी एक्सयूवी में ड्राइव और अभी जा रहा हूँ मैं राइड पे। तो श्रीनगर यहाँ से अराउंड 500 समथिंग किलोमीटर है, 500-600 किलोमीटर के आसपास है। 10-12 घंटे दिखा रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो 7:30-7:30 बजे तक यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग घर से। हम लोग क्या, मैं अकेला ही निकल रहा हूँ एज यूजल। तो चलो चलते हैं, रोड पर मिलते हैं आपसे। Look how beautiful it is. कितना सुंदर लग रहा है यार, जबरदस्त। ये पीछे से नदी जा रही है और सामने पहाड़ है छोटे छोटे, amazing, beautiful. तकरीबन लगता है 1 घंटा हो गया होगा, 60-70-80 किलोमीटर आ गए होंगे। तो मज़ा आ रहा है यार, ठंडी ठंडी हवा, ठीक है, मतलब ठंडा है लेकिन सहन करने योग्य है, बढ़िया, सही शुरुआत सफ़र की। तो अभी क्या लिख रखा है, फगवाड़ा 86, नवांशहर 39, सही है। तो कुछ प्रॉपर खाना खा लेते हैं। आई थिंक अराउंड 100 के करीब किलोमीटर आ गए, क्योंकि अब 440 किलोमीटर समथिंग दिखा रहा है। तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक, सही चल रहे हैं अभी तक। तो एज ऑफ नाउ 9 बज गए हैं सुबह के, और इधर यहाँ पे मैकडोनल्ड्स, कैफे, कॉफी डे, सबवे, सब चीज़ है। अभी यहाँ पे खाएंगे पियेंगे और फिर देन वी विल मूव अहेड। आधा 1 घंटा यहाँ लग जाने वाला है। परांठा ऑर्डर किया, ब्रेकफास्ट किया नहीं था, सुबह सिर्फ कॉफ़ी पी के निकला था। तो अभी पहले अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मशहूर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिधर है भैया इस साइड। हमने जाना है अब यहाँ से पठानकोट। अभी हम पहुँचे हैं जलंधर, तो ये जलंधर। समवेयर अराउंड पठानकोट यहाँ से 32 किलोमीटर्स मोर, और 32 किलोमीटर के बाद पठानकोट पहुँच जाएंगे। अभी बज रहे हैं 11:30 बजे के आसपास। तो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल श्रीनगर में 7:20 दिखा रहा है। देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कितना पहुँच सकते हैं, जितना पहुँच सकते हैं उतना चलेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या इतना जा सकते हैं। तो अभी तो चल रहे हैं और डिस्टेंस काफ़ी कवर हो गया है, तो लेट्स कीप मूविंग, चलते रहते। तो ये है पठानकोट। तो पठानकोट पहुँच ही गए ऑलमोस्ट।
तो यार अभी बज रहा होगा अराउंड 12:30 के आसपास पहुंच गया मैं और पठानकोट पहुंचे। अभी पठानकोट के बाद अभी जम्मू वाले रास्ते पे जाएंगे, जिसमें शायद बीच में ही कहीं से मुड़ना है श्रीनगर के लिए। जम्मू नहीं जाना है तो सांबा से मुड़ना है, सांबा वहाँ से हमने उधमपुर का रास्ता लेना है। तो देखते हैं, अभी फ्यूल रिफ्यूल कराना पड़ गया। पहला जो तेल था पूरा ऑलमोस्ट फुल टैंक चला था तो वो ख़त्म हो गया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई वो है कि हवा पूरी निकली हुई थी दोनों टायरों की, ऑलमोस्ट काफ़ी कम थी हवा। चलो एनीवेज जो भी है, हवा डलवा ली, पेट्रोल डलवा लिया और हम जा रहे हैं अभी आगे। चलो चलते रहते हैं, कहीं ब्रेक लेंगे फिर और बात करेंगे आपसे, तो बने रहिए, चलते हैं। तो धर्मशाला यहाँ से 84 किलोमीटर दूर है और ये सारा है पठानकोट। श्रीनगर है यहाँ से 409 नहीं पड़ेगा हमको, कम पड़ेगा, बिकॉज हम जम्मू होके नहीं जाएंगे। जम्मू 110 है तो जम्मू नहीं जाएंगे, थोड़ा 100 किलोमीटर कम पड़ना चाहिए। देखते हैं, ये कोई रिवर है नीचे जा रही है, पठानकोट शहर चातक पक्षी। महाराजा गुलाब सिंह डोगरा, ओके ग्रेट। गुलाब सिंह रॉयल डोगरा डायनेस्टी, बहुत बढ़िया, देखो कितना बड़ी मूर्ति लगा रखे। तो यहाँ से अब हम प्रवेश कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो पंजाब अब पीछे और J&K में प्रवेश। अब ये हो गया हमारा J&K में प्रवेश, चलो चलें J&K में आगे। तो भाई लोगों नेटवर्क चले गए, जम्मू में घुसते ही नेटवर्क चले जाते हैं। अभी 274 किलोमीटर और 6 घंटे कुछ दिखा रहा है, टाइम हो गया है 12:30 है, 12:30 हो गया क्या, हाँ 12:37 और 6:30 पहुंचने के दिखा रहा है, 6:40 274 किलोमीटर, 32 किलोमीटर के बाद मुड़ना है। ठीक है, तो कोई टावर नहीं है, कहीं से सिम सुम लेने का देखते हैं, एक पोल्यूशन चेक जरूरी है, पोल्यूशन चेक करवाते हैं कहीं से। पोल्यूशन पता नहीं करवाया तो था, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, बट पता नहीं चल रहा अभी। तो 32 किलोमीटर बाद हमको उधमपुर के लिए मुड़ना है सांबा से। चलो लेट्स कीप गोइंग। कौन सा रूट लूँ, क्योंकि एक उधमपुर का यहाँ से रास्ता दिखा रहा है, वो सिंगल रोड लेन है, वो 40 किलोमीटर्स कम है, लेकिन 30 या 40 किलोमीटर्स, और जो सीधा सीधा ये हाईवे जाएंगे तो वो ये है 30 किलोमीटर्स ज़्यादा। अब समझ नहीं आ रहा 30 किलोमीटर्स ज़्यादा लूँ या वो वाला रूट ले लूँ सिंगल वाला, पता नहीं। सिंगल वाला छोटा है लेकिन ये कह रहे टाइम बराबर ही लगेगा दोनों में, क्योंकि वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है उस पर और सिंगल लेन है और गांव बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, देखते हैं क्या करना है। चलो नज़ारे यार इस रास्ते पे, एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नदियां हैं, चलते जाओ। अब सब तो वैसे रिकमेंड नहीं कर रहे उधमपुर का शॉर्टकट लेने को, बट हम तो लेके रहेंगे। तो ये मानसर लेक वाला रास्ता है बेसिकली, तो मानसर लेक जो है
उससे सिर्फ 58 किलोमीटर पड़ेगा, वरना 93 पड़ेगा, मतलब 35 किलोमीटर का फ़र्क है। तो फिर मानसर लेक ही चलते हैं। तो हमने ये नीचे वाला लेना है, ऊपर से आते तो जम्मू होके थे, नीचे से हम शॉर्टकट ले लेंगे जो कि 58 किलोमीटर्स पड़ेगा। बट कह रहे हैं सिंगल लेन है, ये वुमेंस कॉलेज है, इसके सामने से हमने जाने एक उदादी मैंने कर लिया। चलो जी यहाँ से राइट। तो ये जाएगा रास्ता, रास्ता तो अभी से ही खराब है। थोड़ा थोड़ा पहाड़ पे चढ़ना शुरू हो गया है, तो पहाड़ वाला रास्ता शुरू हो गया। मेरे को लगता है अब आगे सारा रास्ता पहाड़ का ही होने वाला है। फीलिंग तो ऐसी ऐसी आ रही है, गोल 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 घूमने वाला रास्ता। पर चलो मैंने ये शॉर्टकट रास्ता लिया जान करके कि थोड़ा एक नया रास्ता देखते हैं। कटरा के लिए पिछली बार जम्मू होके गया ही था, तो वो ऑलमोस्ट उधमपुर तक जाता ही है वो रास्ता। हालांकि वो रास्ता अच्छा है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है, पर बिना बात के 30-35 किलोमीटर जाना है। पता नहीं ठीक क्या है गलत क्या हो, तो बाद में पता चलेगा जब उधमपुर पहुंच जाएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। बट ये अलग रास्ता है, ये नो डाउट थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ पहाड़ है, ये कुछ अलग टाइप के लग रहे हैं, काले काले से पहाड़, डार्क कलर्ड पहाड़। बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं गंदे गंदे से। ये देखो सारे के सारे ढोलक लिए हुए से ट्रक खड़े हैं। कितना सही लग रहा है, रास्ता ब्लॉक रहा हो, बाकी तो ठीक है। पर देखो ट्रक सारे खड़े हैं ऊपर तक, शायद शाम को निकलते होंगे ये ट्रक। तो कैसे पहाड़ है अजीब से यार, ऊपर जाना हमने। अलग ही काइट की वेजिटेशन है यार, कुछ अलग ही पहाड़ लग रहे हैं, बिल्कुल ही अलग। पेड़ भी कुछ अलग टाइप के, चीड़ जैसे ही पेड़ है ना, पता नहीं कुछ अलग से लग रहे, सफ़ेद सफ़ेद से पहाड़, सफ़ेद सफ़ेद से मिट्टी वाले पहाड़, और पत्थर काला काला है और मिट्टी सफ़ेद सफ़ेद सी है। अलग सा ही फीलिंग आ रहा है देख देख के इन पहाड़ों को, है ज़बरदस्त ही लग रहे हैं सुंदर से। चलो तो जी ये देखो, ये है लेक मानसर सुरिनसर, पता नहीं कौन सी लेक। अच्छा ये देख कह सकते लेक, पार्किंग का है, बहुत बड़ी लेक है यार। सर लेक चलो 10-15 मिनट यहाँ पे टाइम लगा के फिर निकलते हैं क्या। तो अभी यहाँ से रह गया है 222 किलोमीटर श्रीनगर, लेकिन मैंने एक ब्रेक लिया है मानसर, मानसर है ना ये लेक, मानसर। तो ये लेक है मेरे पीछे इधर, जो बेसिकली अब इधर पीछे कुछ पानी दिख रहा होगा बीच बीच में, तो ये लेक है इधर के साइड। और एक ब्रेक लेके यहाँ पे अभी मैगी खाएंगे और फिर आगे चलेंगे दोबारा से। तो काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हाफ वे अराउंड
मैंने हाफ वे से ज़्यादा कवर कर दिया है। और अभी क्या बज गया होगा, डेढ़ बजा जी, डेढ़ एक बज गया। तो अभी आगे चलेंगे, थोड़ा सा ब्रेक। ये सब पार्किंग है एक्चुअली इसी की, लेक की पार्किंग है। इस साइड लेक है, ये जो सामने है इधर सब जगह लेक है। तो लेक में बोटिंग होती है, ये सब होता है, वो तो नहीं करना क्योंकि प्रायोरिटी तो अभी श्रीनगर है। तो देखते हैं कोई जाम जूम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितना देर में पहुंचेंगे कितने देर में नहीं, चलते रहते हैं। देख छोटी सी टनल, टनल से हम जा रहे हैं। अच्छा यार, जितनी टनल बने उतनी अच्छा है, उतना कम पहाड़ कटते हैं और कम वो नुकसान होता है पहाड़ों को। नीचे से ट्रेन की टनल भी है, देखते दिखती है कि नहीं दिखती, वो देखो। ये ट्रेन जाने का रूट है उधमपुर वाली लाइन जा रही है, ये पुल के ऊपर से जो जा रही है पूरी ट्रेन लाइन है। उधमपुर मतलब श्रीनगर जाने वाली जो ट्रेन है वो है बेसिकली। उधमपुर रह गया 10-12 किलोमीटर। और ये दिखाते हैं आपको ट्रेन क्या पुल कितना ऊंचा है। भैया अंकल जी काम हो रहे हो, ये ऊपर से देखो ये ट्रेन जा रही है, नीचे से हम जाएंगे। थोड़ा बहुत पानी है, ज्यादा नहीं है। पहाड़ों में भी रेलवे लाइन निकालना एक बड़ा चैलेंज है अपने आप में। अब ये देखो पूरी रेलवे लाइन इलेक्ट्रिक, जबरदस्त भाई। पुल टनल यही सब करके बनती है रेलवे लाइन, कैसे मिल जाए तो, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिम काम नहीं करता, पोस्ट पेड और प्रीपेड ही काम करता है। तो इधर उधमपुर के पास मैंने सिम ले लिया है एयरटेल का, प्रीपेड ही लिया है कि 4-5 दिन ही यूज़ हो जाए, जितना दिन मैं यहाँ पर J&K में हूँ, और उसके बाद फिर चाहे काम करे ना करे या फिर मैं इसको पोस्ट पेड में कन्वर्ट करा लूँ। सो इट टेक्स अराउंड 400 rupees फॉर द सिम, 300 rupees समथिंग फॉर द रिचार्ज, 200 or something 300। तो अभी अपन ने ले लिया है, अब यहाँ पर भी मोबाइल कनेक्शन हमारा चल जाना चाहिए। अभी बज गए अराउंड 2:45, ऑलमोस्ट लगा लो 3 बजे निकलेंगे, देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं अभी आगे के लिए। सो सी यू ऑन द रोड अगेन। यस, सिम एक्टिवेट भी हो गया, ये अपनी राम प्यारी, चलो अपने रास्ते पे चलें। तो ये मेन हाईवे आ गया, अब हम मेन हाईवे से चलेंगे, पर आगे बहुत गंदा बता रहे हैं रास्ता। बनिहाल रामबन और बनिहाल के बीच में हाईवे बन रहा है और बहुत बुरा हाल है। चलो ये है उधमपुर, आपके नॉलेज के लिए उधमपुर में हम हाईवे पे चढ़ गए।
कुत्ता फोन पे। अबे सीधा चला। हाँ, बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन है हाईवे, तो हालत थोड़ी सी खराब है। बीच बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब ठंडी ठंडी हवा लगने लग गई है। ये देखो सारी भैंस ही भैंस, सारे रास्ते साइड भैंस ही भैंस रखी हुई है। बीच वाले रास्ते को शायद भैंसों के लिए यूज़ किया जा रहा है, पता नहीं माइग्रेट कर रहे हैं इधर से उधर भैंसों को लेके। ऐसा भी होता है, ये लोग माइग्रेट करते हैं अपने जानवरों को लेके सर्दियों में शायद। और दूर दूर बर्फ़ भी दिख रही थी बीच में, अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो बर्फ़ भी दिखने लग गई। और अब ठंडी हो गई हवा, चलो ठंडा तो होना ही है। तो प्रेडिक्शन सही थी, बारिश हुई हुई है। बारिश आगे मेरे को लग भी रही है कि बारिश हो रही है, तो ऐसा ना हो बारिश में फंस जाऊँ, क्योंकि आगे का माहौल ये तो देखो सारी गीली हो रखी है रास्ता, तो इसका मतलब यहाँ बारिश हुई थी। और आगे का पता नहीं कैसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो देखो बारिश हुई है, ऐसे ना हो कि बारिश में फंस जाए। उधर देखो स्नो है पूरी। खुला नहीं है मौसम अभी पूरा। ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चिनानी नाशरी टन्नी, पता नहीं कौन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। भाई इसके अंदर तो बारिश नहीं हुई थी, अंदर क्यों गिला गिला लग रहा है? चलो जो भी है, 50 की स्पीड अलाउड है, 50 पे ही चलते हैं भाई। जो लीगल है वही काम करना चाहिए। काफी लंबी टनल लग रही है भाई, ये टनल काफी लंबी है, बहुत ही लंबी है, लंबी लंबी। पर अंदर देखो पोल्यूशन, धुआं वगैरह है, वेंटिलेशन मेरे को लगता नहीं इतना अच्छा है। वेंटिलेशन उतना अच्छा नहीं है, चलो पर है काफी लंबी टनल। 50 की स्पीड अलाउड है, 50 पे ही चलेंगे भाई। बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है भाई इसके अंदर। टनल में वेंटिलेशन उतना अच्छा नहीं दिख रहा, वेंटिलेशन अच्छा करने की जरूरत है। इसको क्या हो गया? वाह, एकदम से चांदना सा हो गया भाई। बहुत बड़ी टनल थी, बहुत ही बड़ी, मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर की तो होगी कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। देख के बताऊंगा कितनी लंबी टनल थी। तो इसके पहले भी टोल है, पार करके भी टोल प्लाजा है, इस टनल का टोल लिया जाता है। चलो पार हो गए। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत ज़्यादा ट्रक्स है। अब ड्राइव करना ही बड़ा रिस्की है। अब ये देखो ऐसे ऐसे महान आत्मा बीच में बहुत गंदा चलाते हैं, तो बड़ा ही रिस्की है यहाँ पर चलाना बाइक को, क्योंकि सब बड़े तेज़ी से उल्टा सीधा बाइक चला गाड़ी चला रहे हैं। अब ये देखो कितना गंदा धूल बड़ा जगह है, बहुत मुश्किल है, फिर रिस्क। पूरा बारिश हुआ हुआ है, सारी गिली है रोड, अभी शायद थोड़ी देर पहले ही कुछ बारिश हुई है, पूरा रोड पे गीला हुआ हुआ है। बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये टनल जब बन जाएगी तब अच्छा हो जाएगा, पर अभी बारिश और मिट्टी ने एक कीचड़ बना दिया है, वो जो और भी मुश्किल हो गया है यहाँ पे। पता नहीं कहाँ पहुँच गए, पत्नी टॉप पहुँचे कि नहीं पहुँचे, कुछ आइडिया नहीं है अभी, बस पता नहीं, कहीं देखेंगे रुक के कि पता नहीं हम कहाँ पहुँचे हैं। ठंडा हो गया लेकिन बारिश के कारण मौसम। वो देखो कोई डैम है उधर, दूर दिख रही है एक डैम, ये पत्नी टॉप का ही एरिया लग रहा है।
वो दूर देखो डैम। रोड की हालत तो बहुत ही खराब है भाई। अरे कीचड़ में, अरे बाप रे, कुछ दिख भी नहीं रहा। आगे ट्रक से पता चल रहा है, उसके टायरों से कितना गड्ढे है। अरे यार बहुत ही गंदा है। बहुत गंदा रास्ता भैया, बहुत गंदा। बाप रे, कितना एकदम रिवर के पास पहुंच गए। नीचे जो है सामने देखोगे तो सामने नदी है बिल्कुल। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है नदी, ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। उधर देखो, ये दूसरी रोड है, ओल्ड अलाइनमेंट, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, तो ओल्ड अलाइनमेंट रोड है। देखो गिल्ली बहुत हो रखी है। और उधर दूसरी रोड है जो शायद पता नहीं इस टनल से होके जा रही है कि टनल के ऊपर से जा रही है, क्या जा रहा है। एक वो रास्ता जा रहा है, एक ये रास्ता है। अब ये इस पे इस साइड वन व्हीकल एट अ टाइम वाले ब्रिजेस हैं। तो 138 किलोमीटर रह गया है, 3 घंटे और दिखा रहा है जो रास्ता है। और अभी बजे हैं, अभी पता नहीं क्या बजे हैं, पर ये बता रहा है कि 8 बजे पहुंच पाएंगे, 7:45। तो ये देखो रिवर है इधर, पीछे रास्ता गीला है। तो अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, बारिश होने लग गई है, जल्दी जल्दी आगे जाने में फ़ायदा है, रुकने में फ़ायदा नहीं है, चलते रहते हैं। तो अभी बजे हैं 9:15 और अभी मैंने ये देखो हाउस बोट ली है श्रीनगर में, और ये चल रहा है हीटर। तो हुआ ये कि बनिहाल के बाद लगातार बारिश थी। बनिहाल से जब मैंने आपको दिखाया तो बनिहाल से लगातार तेज़ बारिश शुरू हो गई, और मैं फिर कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया, और बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई, और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था मतलब बाइक चलाना, क्योंकि वहाँ सारा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रखा था, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। बट मैंने कोशिश करी जितना दिन मैं चला सकूँ, तो जितना चला सकता था उतना चलाई, और मैं पहुंच गया श्रीनगर। श्रीनगर में मैंने ये हाउस बोट ले ली है, तो आज रात को इसी में रुकूंगा और कल यहाँ घूमते हैं। ठंड लगने लग गई है, मेरे को लगता है स्नोफॉल हुई है पक्का। मैं रास्ते में भी देखा तो पहाड़ों पे स्नोफॉल हुई हुई थी, वो पक्का हुई होगी स्नोफॉल। तो हाउस बोट में ये तो गैस वाला है, अंदर ब्लोअर लाइट आएगी तो चल जाएगा, और वहाँ पर वो भी है गर्म ब्लैंकेट। तो अभी तो मैं सारी चीज़ें चार्ज करता हूँ, और अभी बैठे हुए हैं यहाँ, थोड़ा सा गर्म है लग रहा, तो कुछ अच्छा लग रहा है। तो ये आज का सफ़र था, होपफुली आपको आज का सफ़र अच्छा लगा हो। सुबह मैं चला था, अब देख लो कितने बजे चला था मैं, मैं चला था 7:30 और यहाँ पहुँच गया था मैं लगभग, अब चलो उस 9 बजे के आसपास। और ये सब डिले जो हुआ ये पूरा बारिश की वजह से डिले, बहुत ज़्यादा बारिश थी उस वजह से कम 2 घंटे या 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा, वरना मैं बहुत टाइम पे पहुँच गया होता। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, है ना। तो अभी कुछ खाने को ऑर्डर किया है, चिकन वगैरह खाया है, कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि दिन में कुछ खास अच्छे से खा नहीं पाया, क्योंकि सुबह परांठा तो खाया था, दिन में फिर मैगी खाई, और बीच में चाय 2-3 बार पी है, और ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो अभी चिकन के लिए बोला है, चिकन आ जाता है तो चिकन खाएंगे, रोटी खाएंगे,
और उसके साथ फिर उसके बाद सो जाएंगे। फिर कल हमने शिकारा घूमना है, शंकराचार्य और श्रीनगर कल घूमेंगे। परसों फिर प्लान करते हैं थक गया गुलमर्ग का, तो परसों गुलमर्ग घूमेंगे आज। तो ठीक है गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आज का भी लोग यहीं बंद करते हैं और कल मिलते हैं आपको, श्रीनगर घुमाते हैं। तो बाय बाय टाटा। तो ये मैंने बताया नहीं, शायद ये हाउस बोट है। सच ये जो है ये हाउस बोट है, हाउस बोट मैं आपको कल दिखाऊंगा। हाउस बोट में हम रुके हुए हैं।